हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का रशिया यूक्रेन वॉर पर क्या इम्पैक्ट होगा? दोस्तों, पिछले 1.5 साल से रशिया यूक्रेन वॉर में यूएसए यूक्रेन को फुल सपोर्ट दे रहा है, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशन सपोर्ट। लेकिन हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के चलते ऑलरेडी यूएस ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड को नॉर्थ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी से इसराइल की हेल्प के लिए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में मूव कर दिया है। साथ ही इसराइल के नदन बॉर्डर्स पर हिजबुल्ला भी इसराइल पर अटैक करने के लिए तैनात है और ईरान भी हमास के अटैक्स को सही ठहरा चुका है और इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट के इस रीजन में एस्केलेट होने के हाई चांसेस हैं। और अगर ऐसा होता है तो यूएस और यूरोप को यूक्रेन से वेपन सप्लाई को इसराइल की हेल्प के लिए डाइवर्ट करना होगा, जिसकी वजह से रशिया को बेनिफिट होगा, जिससे रशिया यूक्रेनियन टेरिटरी में दोबारा से ग्राउंड गेन कर सकेगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या इसराइल में हमास के अटैक में रशिया की कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।